हेलो डियर स्टूडेंट, मैं एके सिंह आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल हैशटैग बेसिक मैथ में स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है आपका मल्टीप्लिकेशन। तो आइए चलिए जानते हैं मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, क्या प्रोसीजर है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने फ्रैक्शन में जाना कि कोई भी टर्म हो उसमें क्या होगा, दो पद होंगे, ठीक। एक तो अंश होगा और एक हर होगा, ठीक। न्यूमरेटर अपान में डिनोमिनेटर जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक। समझ आ गई बात है। तो इसी टर्म में देखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं, ये हमारा हो गया न्यूमरेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपान में डिनोमिनेटर, ये समझ में आ रही बात है। अब देखिए, इसी को अगर हम कह दें ऐसे कि न्यूमरेटर अलग डिनोमिनेटर अलग, ऐसे ही ढेर सारे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मतलब ढेर सारे फ्रैक्शन हो, ठीक, तो उसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो करना कुछ नहीं बच्चे, वो जो न्यूमरेटर है न्यूमरेटर का आपस में मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो है जो रिजल्ट आता है वही हमारा फाइनल फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आता है, ठीक। समझ में आ गई बातें। चलिए जानते हैं एग्जांपल के साथ कि इस मल्टीप्लिकेशन को कैसे करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है 4/3 × 7/5, इसको आपको क्या करना है, हल करना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए कहीं ना कहीं देखिए, ये आपका एन वन हुआ, ये हो गया डी वन, ए एन टू और ये डी टू, समझ आया। तो इसके लिए फार्मूला हमने बताया था क्या, एन वन डी एन टू अपान में डी वन डी टू, यही तो होता है, मतलब ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसी की तरह हमें क्या करना है, इसको करना है, देखिए 4 × 7 / 3 × 5, ठीक। तो 4 × 7 को आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 28, और ये कितना आएगा, 15 आएगा। अब देखिए, ये जो है ये आपका न्यूमरेटर है, ये क्या है, डिनोमिनेटर है, ठीक, मतलब ये अंश है, ये हर है, ठीक। तो कहीं ना कहीं देखिए बच्चों, मैंने बताया था कि आपको जो है ये न्यूमरेटर कभी भी ग्रेटर नहीं होना चाहिए किसे, डिनोमिनेटर से। अंश जो है कभी भी बड़ा हर से नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है तो इसको हमने किसे बदलना है, मिश्र भिन्न में यानी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए ये बड़ा हो गया, 28 जो है 15 से बड़ा है, 28 15 से बड़ा है, इसलिए क्या करेंगे हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आ जाएगा 1/13/15, क्लियर हो गया। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 2 समझते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, 4/3 × 7/8। अब नोट ध्यान दीजिए बच्चे, एक विशेष है यहाँ पे, नोट ये है कि कभी भी आप जो है क्या करोगे, यन अपान में डी, ठीक, किसी भी संख्या से मान लीजिए हमने क्या किया, नंबर ले लिया कोई भी, ठीक, उससे जो है समान नंबर से ऊपर नीचे भाग दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। समान नंबर कोई भी हो उससे हम क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भाग दे सकते हैं। लेकिन कभी भी ध्यान दीजिएगा, ना ही समान नंबर से, मान लीजिए ये क्या है, एन वन एन टू है और ये क्या है, डी वन और डी टू है, ठीक। तो समान नंबर से कभी भी इसमें एन वन ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक। न्यूमरेटर न्यूमरेटर कभी नहीं कटेगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कभी भी नहीं कटेगा। तो अगर कटना है कोई छोटा होगा तो ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए, ठीक, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ही कटेगा, ठीक, समान संख्याओं से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ही कटेगा, न कि आप न्यूमरेटर न्यूमरेटर काट दीजिए या डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर काट दीजिए। प्रायः बच्चे इसी तरीके से कर देते हैं ये चीजें,
जबकि ऐसा कभी आपको करना नहीं है, नहीं तो आपके क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। क्लियर? तो चलिए समझते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, देखिएगा अब क्या है, 4/3 है इंटू 7/8 है, समझ आ गई बातें। अब क्या करेंगे, अब इसका इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 × 7 / टोटल अपान में 3 × 8। ठीक, अब देखिए प्यारे बच्चों, 4 × 7 में और 3 × 8 में कुछ नंबर से डिवाइड होने वाले संख्याएं हैं। देखिए 4 कट रहा है किससे, 4 जो है 8 से डिवाइड हो रहा है ना, ठीक है, ये 4 जो है 8 को डिवाइड कर रहा है। तो क्या करेंगे, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, यानी 1 × 7 / 3 × 2 हो गया। ठीक, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 7/6 आ जाएगा। अब देखिए 7 यानी 7 > 6, जो कि 7 क्या है, न्यूमरेटर है और ये क्या है, डिनोमिनेटर है। 7 > 6 इन दिस सिचुएशन हम इसको क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का फार्मूला क्या होता था, हमने क्वाटिएंट और रिमाइंडर अपान में डिवीजर। ठीक, यानी आपका भागफल गुणे शेषफल अपान में क्या, भाजक। ठीक, समझ आ गया, समझ में आ गई बातें, ये चीजें हो जाएंगी। इसी के रूप में लिख देंगे, क्या आ जाएगा हमारा, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें। चलिए ये तो 2 नंबर सीख रहे, अभी 3 नंबर वाले देखते हैं। चलिए देखिए एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है, 8/3 × 9/20 × 40/27। क्या 8/3 × 9/20 × 40/27। अब देखिए करना कुछ नहीं है, जितने न्यूमरेटर हैं आपस में गुणा के साथ लगा के रख देना है। ठीक, डिनोमिनेटर जितने हैं उसको क्या करना है, गुणा के साथ लगा के रख देना है। ठीक, हमने वही किया, देखिए कर दिए। फिर कहीं ना कहीं देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है, कुछ संख्याएं कट रही हैं। देखिए 20 से 40 में डिवाइड हो रहा है। ठीक, 21 + 20 = 22 = 40 हो जाएगा, इट्स अ 2 times। अब यहाँ देखिए 9 है और यहाँ 9 जा रहा है 3 times × 27 से। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 × 9 = 9, 9 × 3 = 27 खत्म हुआ। अब देखिए एटलीस्ट क्या आने वाला है, 8 × 1 × 2 अब यहाँ देखिएगा 3 × 1 × 3 अब देखिए इसी को आते हैं यहाँ पे, तो 8 × 2 = 16 = 16 और 9 × 3 = 9 अब ध्यान दीजिए बच्चे, यहाँ पे 16/9 जो है ये न्यूमरेटर हो गया, इज ग्रेटर देन कितना है, डिनोमिनेटर है। तो उस कंडीशन में हमने बताया था क्या हो जाएगा, कि इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे। ठीक, मिश्र भिन्न में बदल देंगे। तो देखिए मिश्र भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, 16 में 9 से डिवाइड करेंगे 1 times में जाएगा तो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर से बना जाएगा। तो उस कंडीशन में हमारा क्या आ जाएगा, 1 = 7/9। समझ में आ गई बात है, क्लियर हुआ सब, ठीक है ना। ये ध्यान दीजिए, यही आप